ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं, जब भी हम नॉर्मल टिकट या फिर तत्काल टिकट बुक करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, 1 साल से लेकर 4 साल के एक बच्चे होते हैं जिसे हमें नाम इंट्री करना होता है टिकट में, तो कैसे टिकट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, यहाँ पे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट बुक करते हैं या फिर IRCTC की वेबसाइट से बुक करते हैं, प्रोसेस आपको सेम है 0 से लेकर 4 साल के बच्चे का नाम ऐड करने के लिए। चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को आपको लॉगिन कर लेना है। तो मैंने अपने यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन कर लिया हूँ। लॉगिन करने के बाद सिंपल आपको करना क्या है, प्लान वाइज जोनी पे क्लिक करना है। प्लान वाइज जोनी पे क्लिक करने का आपको कहाँ से कहाँ जाना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी न्यू दिल्ली से मुजफ्फरपुर के लिए सेलेक्ट कर चुका हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है, इसके बाद जनरल कोटा सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ जर्नी पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको हमको सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। सर्च ट्रेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं जितने भी ट्रेन होंगे आपको ट्रेन शो कर देगा। इसके बाद जो भी टिकट ट्रेन में टिकट आपको बुक करना है सिंपल आपको क्लिक करना है और क्लास सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करना है, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देख सकते हैं ऐड न्यू का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। तो मैं फर्स्ट में आपको मैं अपना नाम ही सर्च कर लेता हूँ। इसके बाद एज की बात किया जाए तो मैं यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20 एज कर देता हूँ। मेल फीमेल सेलेक्ट करता हूँ, कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ऐड पैसेंजर पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक पैसेंजर का डिटेल तो फिल कर लिया हूँ, लेकिन यहाँ पे हमें 3 साल का एक बच्चे है, तो हम इसे हम कैसे नाम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख के हम सेकेंड नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको जैसे कि जो भी नाम है आपको नाम टाइप करना है। इसके बाद सिंपल इस पर क्लिक करेंगे सेकेंड वाले पे। यहाँ पे देख सकते हैं 1 ईयर टू 4 ईयर तक का बच्चे का आप इसमें नाम ऐड कर सकते हैं। जैसे आप 5 साल 6 साल का होता है अगर वो नाम ऐड करेंगे, अगर सीट चाहिए तो आपको फुल पैसे देना पड़ेगा, सीट नहीं चाहिए तो आप हाफ पैसे देकर नाम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल मैं यहाँ पर 3 साल सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद मेल फीमेल आपको सेलेक्ट करना है, तो मैं मेल फीमेल सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद ऐड पैसेंजर पर क्लिक करूँगा। इसके बाद देख सकते हैं मोबाइल नंबर ऑलरेडी है, यहाँ पर बुक टिकट ओनली कन्फर्म बट अलाउ करना है। इसके बाद जहाँ जाना है आपको जहाँ का एड्रेस आपको फिल कर लेना है। इसके बाद आपको एरिया पिन कोड, मैं पिन कोड वही फिल कर देता हूँ। इसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद रिव्यू जोनी डिटेल पे क्लिक करना है। इसके बाद देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ चुका हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर फिल करना है, मैं फटाफट कैप्चर भी फिल कर ही लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कैप्चर फिल कर लिया, तो आप नीचे की तरफ करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सिर्फ एक ही नाम यहाँ पे शो कर रहा है, जो मैं बच्चे का नाम जो ऐड किया हूँ यहाँ पे सारा नाम शो नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप टिकट बुक करेंगे तो वहाँ पे आपको नाम बच्चे का शो करेगा। इसके बाद सिंपल प्रोसेस टू पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यस करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं फाइनली में हम यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन पे आ चुका है। इसके बाद आपको डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, जिससे आप पेमेंट करना चाह रहे बिल्कुल आसानी से पेमेंट कर सकते हैं और इसके बाद टिकट आप बुक कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलन चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।